नमस्ते सभी को। आज बीके शर्मा भैया अपने परिवार के साथ, विनीता दीदी के साथ में अपनी शहरी को रखेंगे। तो भैया आपका स्वागत है। हाँ जी नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी, नमस्ते। हाँ हाँ, मैं पहले अपनी शेयरिंग रखूंगी, इसके हाँ बाद। जी दीदी, हाँ दीदी, मैं परिचय रखता हूँ, फिर आप शुरू कर सकते हैं। तो बीके शर्मा भैया और विनीता दीदी राजस्थान जयपुर से है। भैया यहाँ के राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है। भैया ने उनका फर्स्ट वर्कशॉप जुलाई 2019 में किया था और बाद में फिर हायर लेवल वर्कशॉप को भी अटेंड किया है, स्टार सत्र भी अटेंड किया हुआ है भैया ने। और भैया जो ऑनलाइन वर्कशॉप है उसमें रिसोर्स पर्सन के रूप में कंटेंट को शेयरिंग करते हुए अपनी भागीदारी को निभाते हैं, और उसी तरह से नॉर्थ वेस्ट रीजन की जो वीकली मीटिंग है उसका भी मॉडरेशन भैया करते हैं। दीदी होम मेकर है और इस कंटेंट में को समझने का और जीने का प्रयास कर रही है। तो दीदी आपका स्वागत है, ओवर टू यू। जी नमस्ते भैया। और शेयरिंग शुरू करने से पहले मैं बताऊं, मुझे अभी थोड़ी सी घबराहट हो रही है। मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ और अपनी शेयरिंग शुरू करती हूँ। नमस्कार सभी को एक बार फिर से। मेरा नाम विनीता शर्मा है और मैं एक गृहिणी हूँ। मेरे पति ब्रिज किशोर शर्मा और मेरी दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी परिणीता बीटेक सेकेंड ईयर में है और छोटी बेटी रैना 12th के एग्जाम देगी, साथ ही वो जेई की भी तैयारी कर रही है। ये मेरी मॉर्निंग सेशन में 6 बजे से जुड़ी हुई हूँ मैं इसमें, और ये मेरी तीसरी शेयरिंग है। मैंने अपना पहला परिचय शिविर सितंबर 2022 में भीलवाड़ा में किया था। जब मैंने कोई शिविर नहीं किया था और मेरे पति काफी टाइम से इससे जुड़े हुए थे और कई बार शिविर कर चुके थे, उस समय वो जॉब भी नहीं कर रहे थे। उनका हर समय फोन पर रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे अंदर एक अलग सी पीड़ा, विरोध और नकारात्मकता थी जो मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, जो मेरी जीने की इच्छा को भी लगभग ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब बहुत हो गया, बस ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब खत्म हो रहा है, कुछ भी नहीं बचा। मैं डिप्रेशन में थी। जब मैं शिविर में गई, जिसके प्रबोधक सुरेंद्र पाल भैया थे, उनके प्रति मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने न केवल प्रबोधक का दायित्व निभाया बल्कि पिता की तरह मेरे अंदर के भाव को समझा भी और मुझे इस स्थिति से बाहर निकाला। नजर बदलो, नजारे बदल जाते हैं। इस लाइन की गहराई में यूएचबी में जुड़ने के बाद ही समझ पाई हूँ। हमें कोई भी चीज वैसी ही नजर आती है जैसा कि हम देखना चाहते हैं, और ये देखना हमारे अंदर के भाव, विचार, मान्यताओं और संस्कारों पर निर्भर करता है। जो जैसा है उसे वैसा ही देख पाऊं, यही प्रयास मैं करना चाहती हूँ। और धीरे धीरे मेरे नजर और नजारे दोनों ही बदल रहे हैं। अभ्यास एक, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना। मैं मेरी समझ बनी है कि जब जब मैं होश पूर्वक अपनी कल्पनाशीलता और विचारों को देखती हूँ तो पाती हूँ कि हर क्षण कोई ना कोई विचार कल्पनाशीलता में चल ही रहा है। इन विचारों के पीछे कभी विरोध के भाव होते हैं तो कभी सहज भाव। जब विरोध के भाव होते हैं तो मैं अपने आप को सहज महसूस नहीं करती। मैं इन भावों को बनाए रखना भी नहीं चाहती, ना ही आराम में या सुखी रहती हूँ। मेरे अंदर कौन सा भाव चले इसका निर्णय मैं स्वयं लेती हूँ। मैं ध्यान दे रही हूँ कि मेरी कल्पनाशीलता में चलने वाले विचार, उनके पीछे के भाव और भाव के पीछे के संस्कार क्या हैं? ये संस्कार सही समझ के आधार पर बने हैं या मान्यताओं के आधार पर? मान्यताएं सही भी हो सकती हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये मान्यताएं कितनी गहरी हैं। इनको मानने का अभ्यास इतना हो गया है कि होश में ना रहे तो केवल प्रतिक्रिया और गलतियां ही करती हूँ।
मुझ में कौन सा भाव चले इसका निर्णय मैं स्वयं ही लेती हूँ। अपने सुख और दुख के लिए मैं स्वयं ही जिम्मेदार हूँ। इसकी स्वीकृति तो बन गई है, पर ये स्वीकृति केवल तब तक रहती है जब मैं होश में रहती हूँ। मैं शिकायत मुक्त नहीं हो पाई हूँ अपने में। परिमार्जन और सुधार के लिए मैं UHV और मॉर्निंग सेशन से जुड़ी हुई हूँ। इतनी समझ बन पाई है कि ये एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा पर मुझे होश और धैर्य पूर्वक चलना होगा। सही समझ या सही मान्यता के आधार पर निर्णय लेती हूँ तो मैं आराम में रहती हूँ, और मैं इस आराम को निरंतर बनाए रखना चाहती हूँ और अपनी समझ पर काम करना चाहती हूँ। मुझे संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व का भाव ही सह स्वीकार है, क्योंकि मैं निरंतर सुखी रहना चाहती हूँ। मैं और शरीर दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं। ये सूचना के तौर पर मुझ पर पहुंचा है और मैं पूर्ण रूप से लेकिन इसे देख नहीं पाई हूँ। मैं और शरीर को अलग अलग नहीं देख पाती। शरीर को क्या संकेत देने हैं, किस संवेदना को पढ़ना है, इसका निर्णय मैं ही लेती हूँ। इसका अनुभव मुझे होता है। किचन में खाना बनाते वक्त मेरा हाथ का जलना, उसको मैं महसूस करती हूँ। ये सूचना मुझ तक आती है, लेकिन काम में बिजी होने की वजह से मैं ध्यान नहीं देती कि बहुत जलन का अनुभव ही नहीं होता। शरीर द्वारा कई संवेदनाएं बार बार मेरे पे आती हैं। किन संवेदनाओं को पढ़ना है, उनका निर्णय मैं स्वयं ही लेती हूँ। खाते वक्त डकार आना और शरीर में कहीं दर्द वगैरह होना किसी भी वक्त, इन संवेदनाओं को पढ़ना, निर्णय लेना, जैसे डकार आने पर हम खाना और खाएं कि नहीं, ये शरीर का नहीं मेरा निर्णय है। ये निर्णय मेरी समझ या मैंने क्या माना हुआ है उस पर निर्भर करता है। शरीर की आवश्यकता और उसका व्यवहार तो निश्चित ही है। बाहर से आने वाली संवेदनाओं को निर्णय पूर्वक पढ़ती हूँ। कभी सही समझ के आधार पर निर्णय लेती हूँ, लेकिन मान्यताओं के प्रभाव में भी कभी कभी बह जाती हूँ। जैसे कभी मार्केट में जाने पर साड़ी, सूट और भी जो भी चीजें, डेकोरेशन का मुझे बहुत शौक है घर के, और जब भी कोई चीज ऐसी दिखती है तो पहले तो मैं ऐसा सोच के निर्णय नहीं लेती थी कि मुझे सोचना चाहिए कि ये जरूरी है कि नहीं है, लेकिन अब मैं निर्णय लेने से पहले मेरे ये दिमाग में आता है कि मुझे इसकी आवश्यकता है कि नहीं। आवश्यकता होने की मैं उन्हें ये भी देख सोचने लगती हूँ कि आप मुझे ये लेनी चाहिए, मुझे इसकी जरूरत है। बाजार में मिलने वाली हर चीज मेरी शरीर की आवश्यकता है या मैं की, तब मुझे मैं और शरीर दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। तब मैं ये भी देख पाती हूँ कि शरीर की आवश्यकताएं और मैं की आवश्यकताएं दोनों कितनी अलग अलग है। शरीर की आवश्यकताएं तो निश्चित ही हैं। समझ के अभाव में ना तो शरीर की आवश्यकता पर ध्यान दे पाती हूँ, ना ही मैं की। सुख स्वभाव है या प्रभाव, तो समझ बनी है कि सुख स्वभाव ही है, स्वयं में स्थित भाव। शरीर से आने वाली संवेदनाएं और बाहर से आने वाली संवेदनाएं मुझ तक आती हैं। मैं उन्हें पढ़ती हूँ, उन्हें अर्थ देती हूँ और सुखी दुखी होती हूँ। मेरा सुख मेरे भाव पर निर्भर करता है। जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उसे उस वक्त असहनीय दर्द हो रहा होता है, लेकिन वह उस समय बिल्कुल भी दुखी नहीं होती। दर्द है पर दुख नहीं। उस समय वह निश्चित भाव में होती है, अपने स्वभाव में, माँ बनने का भाव, माँ बनने की अनुभूति। उस समय यह भी देख पाते हैं कि मैं और शरीर दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं। मैं और शरीर के बीच केवल सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। मेरे जीने का केंद्र संबंध ही हमेशा रहा है। मैं अपने परिवार, रिश्तेदार और आसपास के सभी लोगों के साथ संबंध पूर्वक जीना चाहती हूँ और सुख का अनुभव करती हूँ। कई लोगों के साथ मेरा तालमेल बिल्कुल नहीं बैठता, और ये कहूँ को उनको देखते ही मन में विरोध के भाव आ जाते हैं। ये अलग तरह की
पीड़ा या भाव होते हैं मैं अनुभव करती हूँ, वो उस अब वो बहुत कम हो गई है। मेरा सारा ध्यान उसकी योग्यता में कमी है या मेरी योग्यता में कमी है, उसकी इतनी समझ नहीं बन पाई है, मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है, इस बात पे चला जाता है। भूतकाल की जो भी पीड़ाएं थीं वो अब कम हो गई हैं। जब भी पुरानी कोई बात याद आती है तो स्वतः ही उसका मूल्यांकन शुरू हो जाता है। निष्कर्ष निकलता है कि योग्यता और पात्रता दोनों में ही कमी थी। मैं पहले से काफी आराम की स्थिति में हूँ। भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता, ये तीनों ही स्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं। पहले मैं सारी सूचनाओं को मानकर जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मैं इसे जानना चाहती हूँ। मेरा कार्यक्रम अभी भी अनुकूल प्रभाव जुटाने के अर्थ में, मेरा कितना कार्यक्रम अभी भी अनुकूल प्रभाव जुटाने के अर्थ में है? तो पहले भी मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैंने अपनी आवश्यकता से अधिक की कल्पना की हो। बहुत अधिक सुविधाओं में जीवन नहीं जिया, ना ही अब चाहती हूँ। अनुकूल भाव पाने की इच्छा हमेशा से ही थी, वो अभी भी बनी हुई है। जब भी चाहना के अनुरूप अनुकूल भाव नहीं मिलता, ना चाहते हुए भी विरोध के भाव मेरे अंदर आ ही जाते हैं। होश खोने पर प्रतिक्रिया भी करती हूँ। परिवार में बेटियों और पति से अपेक्षाएं बना ही रखी हैं। भीलवाड़ा में भावना दीदी से मिलना हुआ था, और हमारी आपस में कई बार चर्चा हुई थी कई विषय पे। तब उन्होंने मुझे समझाया भी था कि धीरे धीरे चीजों को छोड़ना नहीं है, जो चीजें सही नहीं है वो सही समय आने पर अपने आप छूट जाएंगी। ये बात मुझे उनकी बार बार याद आती है, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। पहले जब कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता था तो मैं काफी दिनों तक परेशान रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। परेशान तो होती हूँ, लेकिन उस समय के लिए जब अपनी सह स्वीकृति पर ध्यान देती हूँ और अपना और सामने वाले का मूल्यांकन करती हूँ, तो सामान्य स्थिति में आ जाती हूँ। पर ये हमेशा हो निश्चित नहीं है। स्वयं पर समझ के लिए मैं अभी केवल मॉर्निंग सेशन से जुड़ी हुई हूँ, और उसे भी सुबह खाना बनाते वक्त सुनती हूँ। लेकिन मैं दिन भर अपने अंदर चलने वाली कल्पनाशीलता में चलने वाले विचार, उनके पीछे भाव को मैं देखती रहती हूँ जब भी मैं होश में होती हूँ। 1 सितंबर को कानपुर में होने वाले परिचय शिविर में भी जाना चाहती थी, पर बेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इस कारण मैं अभी नहीं आ पा रही हूँ। मैं गणेश सर से मिलना चाहती हूँ और कानपुर में साथ सत्र भी करना चाहती हूँ, पर इसके लिए मैंने 1 साल बाद का समय चुना है। 1 साल में मैं अपने भाव, विचारों और समझ को बढ़ाने का प्रयास करती रहूंगी। कुमार भैया जब जयपुर आए थे तो वो हमसे मिले थे, और उनकी सरलता ने मुझे काफी प्रभावित किया था। बहुत समय से उन्हें नहीं सुना है। गणेश सर, तर्मला दीदी, गोपाल दास भैया और सभी मेरी समझ बढ़ाने के जो भी मेरे जो सहयोगी हैं, सभी को मेरा धन्यवाद। इसके बाद मैं अपनी शेयरिंग बस यहीं तक रखूंगी। नमस्ते भैया। जी धन्यवाद दीदी। भैया आप जी नमस्ते भैया, नमस्ते। सभी को नमस्ते। शर्मिला दीदी, कुमार भैया, गोपाल भैया और बाकी सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम ब्रज किशोर शर्मा है और जैसा कि भैया ने बताया, मैं जयपुर में एक कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूँ। और
पहला जो वर्कशॉप है वो मैंने कॉलेज में ही 2019 में अटेंड किया था, जुलाई में, और उसके बाद से फिर मैं आगे के वर्कशॉप USB 2 60 70 और फिर वॉलेंटियरिंग, उस सब में मैं अपनी समझ को बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ। और मेरे परिवार में हम चार भाई बहन हैं, हम सबके दो दो बच्चे हैं, मेरे माता जी पिताजी हैं, और भी बहुत सारे संबंधी हैं जो हैं। तो अगर देखें कि अभ्यास एक और दूसरे क्या समझ बनी, अभ्यास एक की अगर बात करूं मैं कि स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना और हर क्षण देखना, तो इसमें अपनी कल्पनाशीलता को, अपने भाव, अपने विचार, अपनी आशा को देखना अब हो रहा है और काफी समय तक हो रहा है। अगर इस बात को मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि जब मैं कंटेंट से या मॉर्निंग सेशन से, जब मॉर्निंग सेशन में ही नहीं था तब ये सब कुछ पता ही नहीं चलता था कि ये भी कोई चीज़ है, या कल्पनाशीलता को देखना भी कोई काम है। और ये भाव विचार और ये आशा तो एक ही लगती थी कि सब, मतलब लगती क्या, ध्यान ही नहीं था इधर। तो ये एक बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं इस चीज़ को कि इस बात पर ध्यान गया, और जब भी होश में होते हैं तो ये दिखती है मुझे, चाहे कहीं का भी। जैसे अभी शेयरिंग चल रही थी मैडम की, तो उस समय भी मेरा ध्यान कल्पनाशीलता पे ही था, और एक बार को तो मेरा मन भी किया कि इनको मैं लेके गया था तो मेरा नाम तो उन्होंने बोला ही नहीं भीलवाड़ा, क्योंकि तो उस समय जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मैं इनको लेके गया, मैंने कहा चलना ही होगा। तो हम सब परिवार गए थे, देखा कि अरे ये तो भाव पाने की अभी भी एक आशा बनी हुई है, तो ये, और लेकिन वो बहुत कम समय रही, और वो फिर वो भाव बिगड़ा नहीं, अदरवाइज तो भाव बिगड़ जाता था कि सबका नाम ले रहे लेकिन मेरा नाम तो लिया ही नहीं उन्होंने। तो ये काफी एक रिलैक्सिंग है, मतलब आराम बहुत हुआ इससे। तो कल्पनाशीलता में, और ये भी दिखता है कि जैसे ही भाव बिगड़ते हैं तो एक इंडिकेटर सा जलने लगता है कि नहीं अब ये भाव बिगड़ रहे हैं, तो वो फिर वो आगे बढ़ नहीं पाते। जैसे बीज बनता है, बीज होता है, बीज पड़ता है, तो उसी समय मालूम चलता है कि बीज पड़ गया, एक विरोध के भाव का बीज पड़ गया है, तो वहीं उसी समय वो समाप्त हो जाता है ज्यादातर समय, लेकिन हर समय ऐसा हो पाता है ये मैं अभी नहीं कहूँगा। तो कभी कभी ये बीज बनता है, बीज होता है, फिर वो पेड़ बनने की प्रयास में रहता है, और दिखता भी है कि हाँ ये विरोध के भाव का बीज पेड़ बन रहा है, लेकिन ये तो है कि अब ये बहुत जरा समय तक रह नहीं पाता, तो इसको मैं एक बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ मेरे लिए। तो पहले जब भी शुरुआत होती थी तो विरोध से ही होती थी, जो भी शुरुआत हो रही है किसी के साथ, किसी के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, वो एक विरोध के साथ ही हो रहा है, और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक, जिसको कहते हैं कि असहजता बनी रहती थी, तो उस असहजता से आराम नहीं रहता था। फिर आराम के लिए अलग अलग कार्यक्रम बनते थे, शाम को कहीं बाहर डिनर कर रहे हैं, या कहीं शॉपिंग कर लें, या कोई म्यूजिक सुन लें, या कहीं कोई मूवी देख के आ जाए, तो इस तरह के कार्यक्रम बनते रहते थे, जो जिसको कहते हैं क्षणिक सुख या एस्केपिज्म था एक तरह से। हालांकि वो पता नहीं था कि ये सब कुछ हम भाग रहे हैं अपने दुख से, लेकिन अब पता चलता है कि वो क्या कार्यक्रम बनते थे और क्यों बनते थे, तो ये सब अब देख पा रहा हूँ मैं। तो अब जैसे कॉलेज से आता हूँ तो घर आके मुझे कोई संगीत सुनने की या इसकी आवश्यकता नहीं लगती है, मैं आता हूँ, बैठता हूँ, कंटेंट को एक्सप्लोर करता हूँ और आराम में रहता हूँ। तो ये इतनी सारी उपलब्धि बन रही है, ये जो अभ्यास एक है, जो भाव विचार हैं उसका निर्णय है, तो ये भी मिक्स ही है, मैं कहूँ कि कुछ मान्यता के आधार पर भी बनते हैं, कुछ सही समझ के आधार पर।
सही समझ तो नहीं है, लेकिन ध्यान जरूर गया है कंटेंट की तरफ और सही की तरफ। समझ हो गई है पूरी, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ध्यान एक तरह से बना रहता है, क्योंकि मॉर्निंग सेशन से लेके फिर दिन में जो वर्कशॉप चलती है उनमें भी जुड़ना हो पाता है, और कंटेंट एक एक तरह से या दूसरी तरह से चल ही रहा होता है, तो एक तरह से ध्यान बना रहता है। तो जो मान्यताओं के आधार पर जो भाव बनता है वो उसका समय कम हो गया है, और जो सूचनाएं हैं सही समझ की वो आधार बना रहता है। और अगर देखें कि कौन सा भाव सहज स्वीकार है, तो अब इसमें तो कोई मतलब कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि जो संबंध का भाव है, व्यवस्था का भाव है, सहअस्तित्व का भाव है, वही सहज स्वीकार है। और इस बात को कई बार ट्रायल एंड एरर करके देखा, लॉजिक लगा के देखा, और जब भी किसी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, स्वयं में भी हैं, तो कोई पुरानी बात को ध्यान आती है तब भी, कई स्थिति परिस्थितियों में देखा कि स्वीकार तो संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व का भाव ही है, लेकिन हर समय बना रहता है तो अभी वो स्थिति नहीं है, लेकिन काफी हद तक आराम में मतलब रहने लगे। तो ये जो मैं देख पा रहा हूँ इस चीज को, तो ये एक्सरसाइज एक से और संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व को संपूर्णता में समझने का काम मैं कर रहा हूँ। अभी सूचना के रूप में तो काफी बात क्लियर है, लेकिन समझ में अभी क्रम से ही आ रही है, क्रमानुसार ये धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो हारमोनी है वो डिजिटल नहीं है, ये जैसे भाव है वो बहते रहते हैं, मतलब एक वेव की तरह भाव बहते हैं। और ये भी देख पाता हूँ कि कभी कोई आया, दूसरा व्यक्ति आया, कोई वस्तु आई, कुछ भी चल रहा है, तो उसके पीछे भाव भी उसी तरह बहते रहते थे। ये चीज को मैं देख पाता हूँ जब जब होश में रहता हूँ, या काफी समय तक देख पाता हूँ, ये कहूँ। हर क्षण तो अभी बिल्कुल भी नहीं है, ये तो क्लियर ही है मुझे। और अगर एक्सरसाइज टू की बात करें, कि मैं हूँ शरीर है, ये दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, इस बात को तो मैं कई बार ऑब्जर्व कर पाया कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मैं और मेरा शरीर ये दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं, दोनों की अलग अलग तरह की आवश्यकताएं हैं, दोनों की अलग अलग क्रियाएं हैं। कई बार कंटेंट शेयर करते हैं तब भी ध्यान में जाता है, और वैसे भी बना ही रहता है कि मेरे हाथ को उठाना न उठाना, इसका निर्णय कौन ले रहा है, भूख लगी है तो कोई संवेदना हो रही है, फिर खाना है कि नहीं खाना है, इसका निर्णय कौन ले रहा है। तो ये सारी चीज़ों से ये तो क्लैरिटी है कि मैं और शरीर दो अलग अलग वास्तविकता है, और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, क्योंकि जैसे कि दीदी सबना दीदी या कुमार भैया या गोपाल भैया कई बार बताते हैं कि बैठ के देखें, काम को आराम से करते करते देखें, तो उन सब स्थितियों में भी मैं जैसे बैठता भी हूँ कई बार, तो 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, या जो काम कर रहे हैं वो भी स्लो स्पीड से करते हैं, तब भी देख पाते हैं कि मैं ही निर्णय ले रहा है, और सूचनाएं के थ्रू वो शरीर तक वो सूचनाएं पहुंच रही हैं, और शरीर में कोई संवेदना हो रही है, तो जब जब ध्यान रहता है तब तब सूचनाओं को, या जिस सूचना को पढ़ना है उस सूचना को मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि तो जब शरीर पे पूरा ध्यान है तब बहुत सारी संवेदनाएं शरीर में हो रही हैं, बाहर से बहुत सारी संवेदनाएं आ रही हैं, कोई साउंड है, कई तरह की साउंड है, किस साउंड को सुनना है, किसको नहीं सुनना है, ये सब निर्णय बनते हैं, तो ये सब देख पा रहे हैं। संवेदनाओं से अलग होते हुए संवेदनाओं को पढ़ पाता हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, ये पॉइंट भी एक दिख रहा है। और अगर देखें जैसे कि स्टेप 5 की बात करूँ, तो जैसे मैं कभी सुबह सुबह ड्राइविंग करके कॉलेज जाता, तो देख रहा हूँ कि बाहर कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, बाहर की कोई संवेदना को मैं आँखों के माध्यम से देख रहा हूँ, फिर वो मुझ तक पहुँचती है, उसका मैं कुछ अर्थ देता हूँ, और अर्थ जैसे ड्राइविंग करते समय पहले बहुत रिएक्शन होता था, तो अब अर्थ दे रहा हूँ कि ठीक है सभी चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ, अगर कोई सामने से आ गया
और रॉन्ग साइड से आ गया तो पहले बहुत रिएक्शन होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अर्थ कह रहा हूँ कि कुछ वजह रही होगी उसकी, या उसका ध्यान नहीं होगा, क्योंकि मैं भी पहले ऐसा करता था, तो अब वो जो रिएक्शन है वो नहीं है। एक जिम्मेदारी पूर्वक मैं रुक जाता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो जो संवेदना मुझ तक आ रही है उसके पीछे आशा, विचार और भाव तक स्थिति, और फिर मैं उसको देख पाता हूँ कि ये सब चल रहा है, तो उस समय बड़ा अच्छा भी लगता है कि ये सब कुछ चल रहा है और मैं उसको देख भी पा रहा हूँ। तो ये सारी स्थिति को, तो उससे भी होता है कि बॉडी पे ध्यान नहीं है, बॉडी के क्लच पे, ब्रेक पे, गियर पे, एक्सीलेटर, सब जगह अपना सब चल रहा है हाथ बॉडी के, क्योंकि एक केवल की जो कमांड है वो दो रेखा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ध्यान बना हुआ है। तो ये एक स्थिति है। हालांकि ये सब चीजें मतलब अभी हर समय हो रही हैं, ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा मैं और नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन जब जब ध्यान देते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में सेशन चल रहा होता है तो उसमें बात वही चल रही है, इसलिए ध्यान भी रहता है। कॉलेज में बहुत सारी इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटी होती है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की समस्याएं भी आती हैं, या कह के चैलेंजेस आते हैं कि कॉलेज का, हॉस्टल का, क्लास का, कोई इवेंट है, कोई गेस्ट आया, तो उन सब में भी मतलब पहले बहुत ही एक अंदर से बेचैनी सी रहती थी कि कभी कुछ कभी कुछ, क्या चल रहा है, लेकिन अब एक आराम की स्थिति रहती है। तो ये देख पा रहे हैं कि जो पहले थकान होती थी दिन भर की, अब वो नहीं होती उतनी, होती है लेकिन उतनी नहीं होती। तो जो थकान बेसिकली, क्योंकि अंदर अंदर रिएक्शन चलता था, जो बाहर हो रहा है उसके प्रति विरोध होता रहा, तो थकान उसकी थी, अब वो ऐसा नहीं है, उस पर काफी रिलीफ मिला है। तो ये बात देख पा रहा हूँ कि मैं थकता मैं था, शरीर का इसमें ऐसा नहीं था। तो ये मैं और शरीर दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग तरह की वास्तविकताएं हैं, दोनों में सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। शरीर मेरा एक बहुत ही शरीर एक साधन है, ये मैं देख पा रहा हूँ, और एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन फिर ध्यान जाता है कि सिर्फ साधन ही है, मतलब पहले तो क्या है, यही मैं बराबर शरीर मान के रखा था और फिर सारी चीजें वहीं से शुरू होती थी, लेकिन अब दिख रहा है कि शरीर एक साधन है, महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन साधन है, तो इसको सही रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। पहले जो भी कार्यक्रम थे वो सिर्फ शरीर से संवेदना पाकर, यानी कि अनुकूल संवेदना या अनुकूल भाव के लिए ही हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे अब समझ के कार्यक्रम भी बनने लगे हैं और बन रहे हैं, और उनका एक एक तरह से जो आस्वादन मिल रहा है उससे आराम बढ़ रहा है। शून्य की अगर बात करूं तो सूचना के रूप में तो है, शून्य है, लॉजिकली भी देखते हैं कि तीन तरह की ये वास्तविकताएं हैं, एक तो शून्य है और इकाइयां हैं, तो दो तरह की इकाइयां हैं, जड़ इकाइयां और चैतन्य इकाइयां। तो जड़ और चैतन्य का तो मैं और शरीर दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, इस रूप में जब जब होश में रहते हैं देखना हो जाता है, लेकिन ये दोनों कहाँ हैं, कहीं हैं, तो कहीं तो है, तो उसी को शून्य कह रहे हैं, वही शून्य है। और अगर मैं जड़ इकाई को देखूं तो ये साइंटिफिक, क्योंकि हम सब मैक्सिमम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, तो देखते हैं कि एटम है, तो एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो वहाँ भी इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से घूमता रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी वाइब्रेशन चलता रहता है, तो ये सब कहीं ना कहीं मोशन जो हो रहा है वो कहीं से तो एनर्जाइज हैं। तो अभी तो लॉजिक लगा के देख पा रहा हूँ डायरेक्ट, वो भी ऑब्जर्वेशन नहीं है इस चीज़ की, लेकिन एक विश्वास धीरे धीरे बन रहा है कि कुछ तो है, तो कुछ है, तो उसका एक नाम दे दिया, शून्य या क्रिया शून्य या स्पेस, जो भी नाम दे सकते हैं, वास्तविकता के रूप में उसको ऐसे देखता हूँ, मतलब देखने का प्रयास में है और उस में आगे चल रहा है। तो इस तरह से जो अभ्यास एक और दो है उसमें धीरे धीरे गति बन रही है, और जैसे जैसे ये साइकिल बढ़ रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइम किया तब तो भाव विचार दिखते ही नहीं थे, सेकंड टाइम किया तो हल्का हल्का कुछ हुआ, थर्ड टाइम, तो जैसे जैसे ये साइकिल बढ़ रहे हैं
उतना उतना ही जो देखने की सूक्ष्मता है वो मैं देख पा रहा हूँ कि बढ़ रही है मेरी। लेकिन अभी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ तो ये भी दिख रहा है कि अभी बहुत काम बाकी है। लेकिन अब काम बाकी है तो ऐसा नहीं है कि उसकी थकान है, क्योंकि तो जो मिला है अब तक वो बहुत अचीवमेंट है। पहले बैगेज लेके घूमता था मैं कि मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरा ये, तो उस तरह की चीजें अब नहीं रही हैं, काफी कम हो गई हैं। जैसे कि संग्रह का बहुत संस्कार था कि बहुत सारा पैसा हो जाए, बड़ा पद हो जाए, अब उस तरह का नहीं है। मैं कहूँ कि कोई समृद्धि आ गई है तो अभी वो भी नहीं है। संग्रह का वो जो बहुत डीप कंडीशनिंग थी वो नहीं है, लेकिन समृद्धि भी नहीं है। बीच में कहीं कह सकता हूँ कि मैं हूँ। इसी की कई बार बात होती है कि जीने का केंद्र क्या है, तो जो पहले सुविधा ही केंद्र हुआ करता था और फिर शरीर और संवेदना, तो वो अब केंद्र नहीं रहा, अब संबंध केंद्र में आ रहा है। संबंध में भी अगर देखें तो क्या चीज केंद्र में, दूसरे से अनुकूल भाव मिल जाए या मुझ में भाव सुनिश्चित हो जाए, तो अभी दिखता है कि इस दोनों के बीच में हूँ कहीं। ये चीजें सारी ही हो रही हैं, मतलब सुविधाओं की भी आवश्यकता कभी कभी रहती है। शरीर पर ध्यान बना हुआ है और शरीर एक महत्वपूर्ण साधन है। संवेदनाओं में जैसे कि चार प्रकार से संवेदनाएं बताया था भैया ने, तो उसमें जो पहले बहुत चिपकाव था संवेदनाओं से सुख का, वो काफी कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। अब दबाव नहीं है उन चीजों का कि नहीं, अब सुख संवेदनाओं से ही मिलेगा। इसकी क्लैरिटी है कि सुख तो नहीं है, ये जो एक्साइटमेंट है वो जरूर रहेगा थोड़ी देर का, लेकिन बाद में फिर वो जो दीदी बताती हैं पेंडुलम की तरह कि अगर एक एक्सट्रीम पे जाएंगे तो दूसरे एक्सट्रीम भी बनता है। वो सब चीजें मतलब जो भी हम बात करते हैं वर्कशॉप में या मॉर्निंग सेशन में, उन सब का देखना हो पा रहा है अभी। ये इस बात को मैं एक अचीवमेंट के तौर पर देखता हूँ अपने लिए, तो आगे समझने का जो उत्साह है वो बना हुआ है और उसी क्रम में कार्यक्रम भी बन रहे हैं, देखते हैं तो। और अभी इतने स्टेप्स को साफ साफ स्वयं में देख पाते हैं तो ये मैं हूँ, शरीर हूँ, ये स्टेप को काफी हद तक देख पाने का देख पा रहा हूँ मैं कि मैं और शरीर दोनों के कोएग्जिस्टेंस में है। ये इस बात को देख रहे हैं, दोनों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं। ये आवश्यकताएं तो क्लियर देख रही हैं कि शरीर की आवश्यकता है तो भौतिक रासायनिक वस्तु ही है, और जो मेरी आवश्यकता है वो भाव है, और उसकी पूर्ति कैसे होगी तो ये भी दिख रहा है कि मैं तो समझ से ही भाव की पूर्ति होती है, बाहर से मिल जाए या संवेदनाओं से मिल जाए वैसा नहीं है। ये कई बार एक्सपेरिमेंट किया तो अब एक एक निष्कर्ष निकल गया है कि ठीक है, ये तो सही बात है। तो ये फिर अगर बात करें कि सुख स्वभाव है या प्रभाव है, ये तो क्लियर ही है, या मेरा अनुमान है कि क्लियर है कि सुख तो स्वभाव ही है, क्योंकि प्रभाव या दबाव जो था अब तक अभी भी कुछ हद तक है। ऐसा नहीं मैं कह पाऊंगा कि पूरी तरह मैं स्वभाव में स्थापित हो गया हूँ, लेकिन स्वभाव की तरफ ध्यान जा रहा है। और ये भी दिखता है कि जब स्वभाव पर ध्यान जाता है तो फिर आराम भी मिलता है, यानी जब जो भाव मुझे स्वीकृत भाव है, संबंध व्यवस्था और सहिष्णुता का भाव भी स्वीकृत भाव है, उस पर जब जब ध्यान रहता है तो एक आराम की स्थिति रहती है। एक मतलब जिसको पहले सुख मैं समझता था वो नहीं है, ये एक उससे कोई बहुत बेटर कंडीशन कंडीशन दिखती है, उससे बहुत बेटर स्थिति दिखती है, तो फिर और उसमें मैं रहना भी चाहता हूँ। ये भी दिखता है कि इसी में बना रहे हैं, लेकिन फिर नीचे संस्कार के लेवल पे आ गए कुछ प्री कंडीशनिंग, तो ये चल रहा है मतलब ऊपर नीचे, और इसको मैं देख भी पा रहा हूँ। और एक बार बात हुई है अपने श्रेष्ठ लोगों से, तो
उन्होंने भी यही बताया कि यही प्रोसेस है। तो फिर एक आश्वस्ति बनी कि ठीक है, मैं प्रोसेस में हूँ, आई एम इन द प्रोसेस। तो दबाव प्रभाव जो पहले बहुत रहता था है, और प्रलोभन की स्थिति बनी रहती थी, जैसे जॉब कर रहा हूँ तो जॉब में पहले भय या प्रलोभन था कि मैं अच्छा काम करूँगा तो कुछ आगे प्रमोशन होगा, मैं वाइस चांसलर बन जाऊँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैनेजमेंट खुश रहेगा तो अप्रिसिएशन करेगा, अनुकूल भाव मिलेगा, या मैं सही काम नहीं करूँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कहें कि नहीं अब आप हट जाओ। तो इस तरह का जो भय और प्रलोभन था वो अब नहीं है, और मैंने जैसे कॉलेज में भी क्लियर कर दिया कि मेरे जो प्रायोरिटी है वो ये USB है। तो एक सहमति बनी बन गई है कॉलेज में हमारी, उस हिसाब से फिर मैं छुट्टियां भी ले पाता हूँ, जगह जगह जाना होता है वहाँ जा भी पाता हूँ समझ को बढ़ाने के लिए। तो इस तरह का वो इससे देख रहा है कि स्वभाव है ये, क्योंकि पहले जैसे सैलरी कटती थी तो बड़ा दुख होता था अगर सैलरी कट गई, लेकिन अब उसका बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है जो आ गया पर्याप्त है, वो भी मतलब काम तो चले जाता है क्योंकि सैलरी ऑलरेडी इतनी होती है, तो उसकी आधी भी मिल जाए तो भी आराम से चीजें चलती है। तो अब वो जो डर था वो सब काफी कम हुआ है, काफी कम हुआ है, ये मैं देख पा रहा हूँ। तो सुख स्वभाव है, तो और सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम क्या बन रहे हैं, तो कार्यक्रम तो अभी मैं देखूँ तो दिन में 5-6 घंटे तो मैं कंटेंट के साथ जुड़ा ही रहता हूँ किसी न किसी रूप में, चाहे वो स्वयं का सुनना हो, चाहे कहीं शेयर करना हो, या जब कोई सब्जेक्ट की क्लास भी ले रहा होता हूँ मैं, या किसी फैकल्टी मीटिंग भी ले रहा होता हूँ, तो उस समय भी मैं कंटेंट को बेस में रख के ही बात करता हूँ। क्योंकि तो कॉलेज में भी एक बार FDP हो चुका है तो कुछ लोगों के ध्यान में वो सब भी रहते हैं, और फिर जो शब्दों से संबंधित वास्तविकता है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जो तो जो पॉइंट्स होते हैं बाकी उनको भी इसी रूप में कहने का प्रयास करता हूँ। तो ज़्यादातर समय मैं देखता हूँ कि कार्यक्रम में हूँ मैं, अनुकूल संवेदना या भाव तो पाने का कार्यक्रम कितना है। तो मैं जब कोई मैं कंटेंट शेयर कर रहा हूँ तो उस समय भी ध्यान जाता है कि कहीं ये कंटेंट में किसी से भाव पाने के लिए तो नहीं शेयर कर रहा, कि मैंने कोई बात कह रही है और उसके लिए फिर ये कहे कि नहीं बहुत अच्छी बात कही आपने, इतनी अच्छी बात है, और ये तो ये भी मतलब ध्यान बनता है। तो फिर वो कोई अगर अप्रिसिएशन भी मिल रहा है तो उसका कोई बहुत एक्साइटमेंट नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा तो उसका ऐसा भी नहीं कि नहीं इन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा, एकदम जीरो है वो, हारमोनी है वो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मतलब उसके नज़दीक हैं, कहीं आसपास हैं जब होश होते हैं तब, जब होश में नहीं होते हैं तब वो डिस्टेंस बढ़ती जाती है। तो ये बात देखने में आ रही है। तो कितना कार्यक्रम अभी मैं के अर्थ में है, कितना शरीर के अर्थ में है, तो शरीर की सुविधाओं की आवश्यकता है उसके लिए, हालांकि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं शिक्षा में से ही जुड़ा हूँ, तो ज़्यादातर कार्यक्रम तो चैतन्य के लिए ही है वहाँ भी, और यहाँ पर जो जिस यूनिवर्सिटी में है वहाँ पर ये कोर्स भी चल रहा है। तो मैं अभी 2 सेक्शन में पढ़ाता हूँ सब्जेक्ट को, तो वो थ्योरी भी है और लैब भी रहती है उसकी। तो कार्यक्रम चैतन्य के लिए ही है, लेकिन वो शरीर की आवश्यकता को भी पूरा कर देता है ऐसा देख रहा है, क्योंकि वही पढ़ा रहा हूँ, वही कंटेंट एक्सप्लोरेशन चल रहा है और सैलरी भी मिल जाती है, तो ये तो मतलब एक तरह से सोने पर सुहागा टाइप का कुछ हो गया। तो ये सौभाग्य है, कोई अच्छे कर्म रहे होंगे तो ये सब हो रहा है। कार्यक्रम बहुत सारे तो समझ से ही निकल रहे हैं, लेकिन मान्यता और संवेदनाएं बीच बीच में कभी आ जाती हैं, ये तो मैं देख पा रहा हूँ। और अगर कमिटमेंट के रूप में मैं बात करूँ तो समझने के लिए तो समय ये मॉर्निंग सेशन में सुनता हूँ रेगुलरली, मंडे को और थर्सडे को मैं नहीं सुन पाता क्योंकि उस समय गणेश सर के साथ रहती है मीटिंग, उसमें अभी अध्ययन क्रम में है तो उसको
अटेंड चल रहा है हमारा पुस्तकों का, और मॉर्निंग मंडे को जो 6 से 8 रहता है वो सार सत्र का फॉलो अप सेशन चलता है, तो उसमें मैं रहता हूँ। तो 2 दिन वहाँ रहता हूँ, बाकी 4 दिन में मॉर्निंग, बाकी 5 दिन में मॉर्निंग सेशन में जुड़ता हूँ। तो एक तो ये है, फिर बीच में जो FDP चल रही होती है ऑनलाइन, उसमें भी सब मैं जब जब समय रहता है मैं जुड़ता हूँ। शाम को 1-2 घंटे कंटेंट को सुनना होता है, और बीच में जो वॉलंटियरिंग के काम रहते हैं, अलग अलग मीटिंग्स होती हैं बीच में, मंडे को अलग मीटिंग है, वेनेसडे को अलग मीटिंग है, सैटरडे को अलग मीटिंग है, मंडे को और संडे को जो टीम डेवलपमेंट की है, तो काफ़ी समय कंटेंट के साथ या जो भी अब चर्चा जो पहले बाहर बाहर के लोगों से बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, बाहर का मतलब जो इस कंटेंट के साथ एक्सप्लोरेशन जिनका नहीं चल रहा है, उनका चल रहा है अलग तरीके से, लेकिन इस कंटेंट के तो उसमें अब वो भी थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी रहती हैं, तो वो भी एक सहयोग मिल रहा है, तो उसको ऐसे मैं देख पा रहा हूँ। तो ये बात है, और इस मैं तो अपना एक सौभाग्य ही मानूंगा कि मैं इस कंटेंट में आया और वॉलेंटियरिंग करने का भी अवसर मिला, तो जो वॉलेंटियरिंग कर रहा हूँ उससे भी मेरी गति में काफ़ी सुधार हो रहा है, गति मतलब तेज हुई है। तो मैं तो जो भी मेरे साथी हैं को एक्सप्लोरर हैं, उनसे भी ये अनुरोध करूंगा कि वॉलंटियरिंग करते हैं तो गति बढ़ती है, ये मैंने स्वयं में देखा है। और परिवार में भी हम लोग जैसे शाम को एक परिवार सभा करते हैं, हम चारों लोग यहाँ रहते हैं जयपुर में, बाकी मेरे ब्रदर्स और सिस्टर दूसरी सिटी है उसमें रहते हैं, पेरेंट्स दुबई रहते हैं, हम यहाँ जा 4 लोग रहते हैं, हम चारों शाम को एक 9:30 to 10 आधे घंटे का सब लोग मिलके अपने दिन भर की शेयरिंग करते हैं। यह भी शुरू किया है हमने 1 महीने पहले, तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं उसमें, ये देख रहे हैं, तो उसका बहुत हम सबको आपस में एक दूसरे को समझने में काफ़ी सहयोग मिल रहा है। और वैसे जो बातें जो भी बातें मैंने अभी शेयर की हैं वो सब एक तरह से मेरा अनुमान ही है, कितना सही है कितना सही नहीं है ये मैं अभी पूरी तरह से, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक पूरी समझ पूर्ण नहीं होगी तब तक तो जो भी है वो अनुमान के तौर पर ही रहेगा, तो उसको सभी से अनुरोध रहेगा कि उसको मेरा अनुमान लें, एग्जैक्ट वही है ऐसा मतलब मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन एक अनुमान के रूप में मैं सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, मेरी आश्वस्ति बन रही है चीज़ों के लिए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और अधिक से अधिक अपना ध्यान बनाए रखूँ, अपना जो टूल है कल्पनाशीलता ही मेरा टूल है, उस टूल को मैं कैसे अधिक से अधिक इसी चीज़ में लगाऊँ, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। तो जितने भी मेरे श्रेष्ठ हैं, चाहे वो कुमार भैया हों, शर्मिला दीदी हों, गोपाल भैया हों, भानु भैया हों, गणेश सर, सबके प्रति मेरी कृतज्ञता, और इसके साथ साथ जो भी मेरे साथी हैं, जितेंद्र भैया, शर्मिला भाई हैं, प्रिया दीदी, मनीषा दीदी, पीयूष भैया, सभी बहुत सारे लोग हैं, मतलब सबका नाम अभी ले नहीं पाऊंगा, और जो भी इस मॉर्निंग सेशन में जुड़ते हैं, उनके जो प्रश्न बनते हैं, उनके प्रश्नों की जो रेस्पॉन्स आता है, उन सबका बहुत सहयोग है, मतलब मेरी जो यात्रा है उसमें उन सबका बहुत सहयोग है, और मेरे परिवार, मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का, ये भी बहुत सहयोग करते हैं, क्योंकि जब भी मतलब कहीं बात डेविएट होती है, क्योंकि कंटेंट सुना है, तो इनका फटाक से ये मेरा ध्यान दिलाते हैं कि नहीं देखो आप भटक रहे हो, आपकी जो अभी जो ये बात है वो संस्कारों से आ रही है, मान्यताओं से आ रही है, या संवेदना आपकी बहुत हावी हो रही है, ये सभी एक तरह से सहयोगी हैं। कभी कभी विरोध आता है कि यार ये मुझे बहुत टोकते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी ही डायल्यूट होता है, ये टोक नहीं रहे हैं तो सहयोग कर रहे हैं, तो मेरे प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विनीता दीदी और ब्रिजकिशोर भैया की शेयरिंग को सुना, तो अभी मैं शर्मिला दीदी को आमंत्रित करता हूँ दीदी शेयरिंग के बारे में गाइड करें। जी नमस्ते सभी को, नमस्ते नमस्ते दीदी। नमस्ते विनीता जी, आपको भी नमस्ते नमस्ते दीदी। नमस्ते। बहुत बढ़िया, आप दोनों की शेयरिंग सुन के बहुत ही अच्छा लगा। आप दोनों ने बहुत ईमानदारी से और बहुत
निष्ठा से अपने अंदर काम किया है, और मुझे लगता है उसकी उपलब्धि भी आप लोग सबके साथ शेयर कर पाए, वो सुन के बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही मतलब हम जब अपने अंदर काम करते हैं और अपने अंदर अपने आप को आराम में पाते हैं, तो फिर बाहर भी हमारा व्यवहार बदलते जाता है और धीरे धीरे हम दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि यात्रा लंबी है बट थकान नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि जब हमने इसको शुरुआत में देखा हो या जब हम इस यात्रा पर ना चलना शुरू करें हों, तो ऐसा लग सकता है कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, प्रैक्टिकल नहीं है। ये सब बातें शुरू में होती हैं, थियोरी में तो अच्छा है लेकिन रियल वर्ल्ड में नहीं चलता है, और ये सब बातें हुई हैं बहुत बार, सबके मुंह से हमने सुनी है। लेकिन जैसे जैसे हम सिंसियरली उस पाथ पर चलने लगते हैं, तो फिर दिखता है कि ये प्रैक्टिकल ही नहीं, ये हम सबके लिए आवश्यक भी है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हम किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हमारे अंदर हम आराम में हैं या दुखी हैं, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो मुझे लगता है कि इस बात को बहुत अच्छे से गहराई से आप लोग देख पाए हैं। दोनों ही जनों की शेयरिंग बहुत बढ़िया रही, और मुझे लगता है कि आगे भी आप दोनों एक दूसरे के लिए भी एक तरह से प्रोत्साहन होंगे और बाकी लोगों के लिए भी, जो वॉलंटियरिंग भी जो आप कर रहे हैं, ये बहुत नेसेसरी है और इम्पोर्टेंट है कि इससे फिर आप औरों को भी बहुत अच्छी प्रेरणा दे पाएंगे। तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए भी बहुत शुभकामनाएं। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सहयोग के लिए। दीदी आपका ही सहयोग है और कुमार भैया और इन सबका, जिससे हम इस स्थिति में आए हैं कि हम अपने अंदर के जो परेशानियां हैं और जो आराम की स्थिति में जो अंदर बन पाई है, उनमें आप सब लोगों का बहुत सहयोग है। मुझे लगता है हम सभी एक दूसरे के लिए सहयोग जी कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी।